दीपावली पर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। क्यों? जबकि उस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास काटकर अयोध्या आए थे, ये आप सबको पता होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन से 14 रथ निकले थे, जिसमें से माता लक्ष्मी एक थी। तो जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली और उसके बाद नारायण जी से उनका विवाह हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कुबेर जी को अपॉइंट किया कि धन वैभव संपदा जो भी है वो कुबेर जी इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कुबेर जी बहुत ही कंजूस थे, लोग कितनी भी पूजा आराधना करें लेकिन वो किसी को कुछ देते नहीं थे। तो इस बात से माता लक्ष्मी बहुत ही डिसअपॉइंट हुई, तो वो नारायण जी के पास गई, उन्होंने अपनी कथा सुनाई। तो नारायण जी ने बोला कि आप प्रभु श्री गणेश से मिलें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, किसको कितना धन वैभव देना है इसका फैसला उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने गणेश जी को बुलवाया, गणेश जी ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि जब मैं बोलूँगा कि आपको किसी को धन वैभव संपदा देनी है तो आप कारण नहीं पूछेंगे। माता लक्ष्मी ने तथास्तु कह दिया और उसी दिन जिस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था उस दिन कार्तिक अमावस्या थी, तो एक तरह से उस दिन माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव होता है। और जब त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या आए थे तो उस दिन भी कार्तिक अमावस्या थी, जिस दिन अयोध्या के सारे लोगों ने दीपोत्सव मनाया, जिसे हम दीपावली कहते हैं। दीप का मतलब दिया और आवली का मतलब पंक्ति, तो एक पंक्ति में असंख्य दिए, जिसे हम दीपावली कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है ये भी आपको समझ में आ गया। अब लक्ष्मी जी के पति नारायण जी, लेकिन गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे वो धन की देवी है, लेकिन जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक वो धन वैभव संपदा किसको देना है वो माता लक्ष्मी को कौन बताएगा। तो इसलिए हम माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश की आराधना पूजा उस दिन करते हैं ताकि गणेश जी जिसको भी बोले माता लक्ष्मी बिना किसी सवाल जवाब के उसे धन वैभव संपदा दे सकें। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें, प्रभु श्री गणेश आपका विघ्न हरें और प्रभु श्री राम आपके जीवन में उजाला हो। थैंक यू।